हाय, मैं हूं अमरकांत। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं द फर्स्ट टाइम डूइंग इट। इस मूवी में टॉमी, केनी, माइक एंड आना को दिखाया जाता है। इस मूवी की शुरुआत एक रेस्टोरेंट से होती है। माइक कहता है, यह आसान है, बस हम इतना कहें कि चलो उस कमरे में चले जाओ। टॉमी कहता है, जिसकी वह उम्मीद करती है। माइक कहता है, हमें FIB द्वारा उसकी तस्करी के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। अब आप उसे दाईं ओर नहीं ले जाना चाहते थे, जो मुसीबत में पड़ सकती है। अच्छा, मैं उससे अच्छी तरह पूछने जा रहा हूँ। केनी कहता है, उससे पूछो। तभी आना बाहर आती है और कहती है, उस स्टील तक मैं नहीं पहुंच सकती। केनी कहता है, अच्छा हम कुछ भी कर सकते? तो आना कहती है, नहीं, आपने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है। और तीनों को थैंक्स कहने के बाद वह जाने लगती है। तभी माइक कहता है, आना आप क्यों नहीं आते और हमारे रूम में रुक सकते हैं? हम फोर्ड होटल के सड़क के पास ही रहते हैं। आना कहती है, आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं पहले से ही काफ़ी परेशान कर चुकी हूँ। माइक कहता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर उस होटल में आती है तो हमें अपना फ़ोन भी मिल गया है। आना कहती है, आपको चाबी मिल गई है? माइक कहता है, हाँ। केनी रूम देखकर अपनी तरह ही छोटा है। तभी आना कहती है, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा यहाँ एक्टिविटी अच्छी तरह करते हैं। रूम में फ़ोन भी होता है, जिसे टॉमी कहता है, इसे यूज करना चाहती हो? तभी आना अपनी सेविका को कॉल करती है और मिस सटम से कहती है, क्या आप बता सकते हैं श्रीमान को कि मैं फोर्ड होटल में 507 रूम में हूँ? और उसे थैंक्स कहती है और बताती है कि वह सेविका थी, जिसे उसने कुछ मिनट पहले कॉल किया था, जिसका मतलब है कि वह कई घंटों तक कॉल नहीं करेगा। माइक कहता है, कई घंटों के लिए वापस? देखो यह बहुत बुरा है। तभी आना कहती है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कल रात सोई नहीं। माइक कहता है, आप थोड़ी देर लेट क्यों नहीं जाते? तो आना कहती है, मुझे भी प्यार था। और माइक कहता है कि आप बेड के कवर में क्यों नहीं आते और अधिक आराम हो जाएगी। बट आना को ऐसा लगता है कि ऐसा सोने से कपड़े रुएदार हो जाएगी, इसलिए वह कपड़ा उतारने लगती है। माइक पूछता है, क्या आपको बुरा लगता है? टॉमी कहता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और केन कहता है, आप हमारे मेहमान हैं तो ठीक है, अपना मर्जी। और माइक उस पेट को ठीक करने लगता है और आना को कपड़े उतारते देख टॉमी को यकीन नहीं होता कि आना हम लोगों के साथ सेक्स कर सकती है, और बाहर जाने लगता है। उसके बाद माइक बहाना करके कहता है, उसे गिलास मिल गया है, और तीनों बाहर आ जाते हैं। टॉमी कहता है, अभी तक उसने कोई पैसे नहीं मांगे हैं, मुझे लगता है कि वह पसंद करती है। और कहता है, हमें मिल गया है। तभी केनी कहता है, चूत या पिछवाड़ा? टॉमी कहता है कि आश्चर्य है, 10 में से कितना चाहती है? माइक कहता है, मुझे अच्छी तरह से पता नहीं है, देखो उसके पास कुछ भी पैसे नहीं हो सकते हैं, जितना हमें पता है मुझे 20 मिले हैं, इसमें से मुझे 10 बचाना है। तभी माइक कहता है, अरे नहीं, तुम उन पंजामों के साथ फिर से क्यों शुरू नहीं हो जाते? तुम उसे अपने जूते में डालोगे? टॉमी कहता है, हाँ क्यों नहीं। और केनी कहता है, तुम अपने जूतों के साथ गंदा होने जा रहे हो? माइक कहता है, पहले कौन अच्छी तरह से गिज करता है? पर टॉमी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। केनी कहता है, वह वहाँ कपड़े उतार रही है, इसलिए वह उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। क्या बात है? टॉमी कहता है, अच्छी तरह से कहो, बस मैं अपना कोक जोड़ना चाहती हूँ। ठीक है। और केनी एनर्जी ले रहा होता है। तब माइक कहता है, अच्छा हम कैसे तय करने वाले हैं? और केनी कहता है, सब लोग एक साथ मिली जोड़ो, जो पहले आएगा और इस खेल में माइक जीत जाता है। और वह आना के पास चली जाती है। इसके बाद टॉमी और केनी माइक को बाहर आने की इंतज़ार करने लगते हैं। और माइक को अंदर जाने के बाद कुछ समझ में नहीं आता है कि आना को सेक्स करने के लिए कैसे जगह, उसे हिम्मत ही नहीं होती है और वह बाहर आ जाता है। तभी टॉमी और केनी माइक से पूछते हैं, यह कैसा था माइक, आओ हमें बताओ इसके बारे में, तुम शुरुआत कैसे किया, जो तुम पहले कहा था? केनी कहो, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? और माइक को भी सब चला जाता है। तभी टॉमी कहता है, माइक वह बात नहीं करती। केनी कहता है, उसके साथ क्या है? मेरा मतलब है कि हमेशा फिर दोनों सिक्कों को उछाल कर हेड और टेल करते हैं। और टॉमी का बारी आता है। तभी टॉमी कहता है, बुरे दिन है, और अंदर चला जाता है। और केनी अपनी बारी का इंतज़ार करने लगता है। और टॉमी आना को उठाता है और आना कहती है, टॉमी यह क्या है? तभी टॉमी कहता है, ओह फिर से मुझे पता है कि आप इस तरह के काम को जीने के लिए करते हैं।
और मैं आपको हर समय पैसा दूंगा जो मुझे मिला है, बस मुझे एक फेवर करो। माइक और किनी को बताएं कि मैं वास्तव में बहुत अच्छा था और हमारे पास वास्तव में अच्छा समय था और मैं बस यहाँ बैठूंगा और यह तब होगा जब समय समाप्त हो जाएगा। और आपको लगता है कि मैं यहाँ काफ़ी समय से अच्छा हूँ, बस मुझे बताओ। उन्हें मैं बाहर जाऊँगा और नहीं किसी को पता चलेगा कि वास्तव में ऐसा हुआ था, क्योंकि देखिए मैंने खुद से एक वादा किया था कि मैं ऐसा तब तक नहीं करूँगा जब तक कि मेरी शादी नहीं हो जाती। बट अगर मैं बस इतना ही ठीक है तुम्हारे साथ 11 और 70 सेंट, और यह सब तुम्हारा है अगर आपने लोगों को यह बताने का वादा किया है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। अन्ना कहती है कि मैं देखता हूँ। टॉमी, कहो क्या बात है? टॉमी कहता है अन्ना से कि केनी को आप नहीं बताना मेरे बारे में। अन्ना कहती है नहीं, थैंक यू टॉमी, मैं इसकी सराहना करती हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो टॉमी कहता है ठीक है अन्ना, तुम बहुत अच्छे हो। अन्ना कहती है हाँ, मेरे लिए यह सब बहुत अच्छा है। टॉमी कहता है थैंक यू अन्ना, तुम सबसे महान हो। और रूम से बाहर आ जाता है और केनी को कहता है ठीक है वो सब तुम्हारा है। केनी पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसे बताता है मैं नीचे जा रहा हूँ कॉफी शॉप। तब केनी की बारी आता है और दरवाजे के पास रुक जाता है। माइकल का कॉल आता है और अन्ना कहती है मैं तुम्हें पाने की कोशिश कर रही हूँ। तभी माइक कहता है हाँ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था पर स्पष्ट रूप से नहीं कि तुम वहाँ क्या कर रही हो। अन्ना कहती है मैंने आपको बता दिया था, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो? मुझे जवाब दो कि मैं क्या कह रही हूँ। तब माइकल कहता है कि अब हम एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं, सॉरी अन्ना, इतना ही कहकर कॉल रख देता है। तभी केनी दरवाजे के पीछे से सारी बातें सुन रहा था। अंदर जाने के बाद उसे पूछता है कि वह कौन था, क्या तुम उससे प्यार करती हो, क्या तुम वापस कनाडा जाओगी? तभी अन्ना कहती है मुझे ऐसा लगता है। केनी कहता है आपको बॉर्डर पार करने में परेशानी हो सकती है, मुझे तुम्हारे साथ जाना बेहतर था। अन्ना कहती है प्लीज बैठ जाओ। केनी कहता है कम से कम उनके पास ऐसा करने के लिए बहुत कुछ था, मैं उसे चाहता हूँ। अब बताएं यह मेरे बारे में क्या है, क्या लड़कियों को पसंद नहीं कि मैं इस तरह दिखता हूँ? अन्ना कहती है अरे नहीं केनी, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम और मैं एक जैसे हैं, हमें अपने आप पर भरोसा नहीं। केनी कहता है अगर किसी को खुद पर भरोसा होना चाहिए तो वह तुम हो, तुम बहुत अच्छी हो। तो अन्ना कहती है वाह, हर कोई ऐसा मेरे बारे में नहीं सोचता। केनी कहता है भूल जाओ उसके बारे में, अब चाहो तो एक दर्जन लड़के रख सकते हैं। अन्ना कहती है मुझे एक दर्जन नहीं चाहिए। तो केनी कहता है तो ठीक है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुम बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हारी फीलिंग की कमी के बारे में चिंता नहीं करता, अभी समय ठीक नहीं है। यह सब कब सही होगा? अन्ना कहती है ओह केनी, तुम जानते हो और मुझे एक ही समस्या है, हमें लगता है कि हम बूढ़े हो रहे हैं और जीवन हमारे पास से गुजर रहा है। केनी कहता है तुम अभी तक सही आदमी से नहीं मिले हो? अन्ना कहती है नहीं, जो एडवाइस दे रहा है। और किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं और दोनों धीरे धीरे जोश में सेक्स का मजा लेने लगते हैं। और दूसरे दिन सुबह हम केनी और अन्ना को एक स्टेशन पर देखते हैं और केनी अन्ना से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सच में। तो अन्ना कहती है यह सब समाप्त हो जाएगा, पर केनी उसे भुलाना नहीं चाहता था। और थोड़ी देर में उसे कनाडा जाने का टाइम हो जाता है। और इस मूवी की स्टोरी को यहीं तक अंत करते हैं। बाय बाय।